हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मायके का मेरा लास्ट वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिए। मेरा पुराना वाला घर यही था, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, मेरा मिट्टी का यहाँ घर था। और हम लोग का जो पक्का वाला घर बना है, इसवी सन 2000 में बना है। पहले हम लोग यहीं पे रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत के मतलब, हाँ थोड़ा दो चार कदम का, यही मतलब नज़दीक में ही दोनों घर है, पास में ही, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। तो हम लोग का यही मिट्टी का ही घर था पहले। तो आप लोग देख लीजिए मेरा मिट्टी का घर, और यहाँ पर मेरा, वहाँ देखिए मेरी गैया है, वहाँ पर देखिए मेरी गैया है। और इधर हमारे ये सब मतलब ये जो चाचा लोग हैं, ये देखिए डुगू है। और यहाँ ए बेटा खड़ा करो उसको। और वो है मेरी बेटी है। और वहाँ देखिए जो मतलब हमारे चचेरा चाचा ये सब है, उनका है वो गाय ये सब। और यहाँ देखिए मेरा अमरूद का पेड़ है, तीन पेड़ है यहाँ देखिए। और ये इतना अमरूद फटता है ना फ्रेंड्स, इतना फटता है कोई कोई खाने वाला नहीं रहता है। और यहाँ देखिए कितना सारा करेला का ये है बेल, जो हम लोग लारंग बोलते हैं, आप लोग तो बेल पता नहीं क्या बोलते हैं। और आप लोग एक चीज़ और दिखा रहे हैं, आप लोग बने रहिए मेरा ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। यहाँ देखिए नहीं, हाँ यहाँ देखिए फिर आप लोग को नदी, यहाँ देखिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लकड़ा बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए जो फड़ल फड़ल है ना, इसको हम लोग लकड़ा बोलते हैं। और इसका ना चटनी में डालिएगा बहुत, पूरा इतना डांडा है, खट्टा लगता है, बहुत ज़्यादा खट्टा, मतलब खटाई की जगह पर इसका काम आता है। अब हम लोग के यहाँ ना इसको इसका मतलब ऊपर का, यहाँ देखिए इस तरह से, ए बेटा मत तोड़, रुको रुको ना तोड़ दे, नहीं खाना नहीं, सर्दी फ्रेंड्स बहुत सर्दी हो जाता है मेरा बेटा को, यही खा के सर्दी हुआ। यहाँ देखिए रुको रुको ना दे, यहाँ देखिए अंदर से ये बीज है, बीज निकलता है। और इसको ना ये सब तोड़ कर सिर्फ धूप में सुखा दीजिए, वो खटाई का काम आएगा। और यहाँ देखिए ये है तूर दाल, जिसको बोलते हैं हम लोग अरहर बोलते हैं इसको, और कोई कोई तूर दाल भी बोलता है। तो ये सब ना ये मतलब फरवरी मार्च के महीने में ये पक जाता है, ये दाल मतलब ये जब इसको कटाता है उस समय पक कर तैयार हो जाता है। उसके बाद खलिहान में आता है, उसके बाद इसको फिर ये मशीन में फिर डालकर इसको पीट कर अलग किया जाता है, और ये अलग हो जाएगा। उसके बाद जो इसका दाना ये सब होगा, फिर वो मशीन में मतलब अरे जो फटता है फर, उसका मशीन में फिर डलाएगा, तब ये अलग निकल जाएगा अरहर। ये बेटा क्या कर रहा है, उसको उधर रखो। तो फ्रेंड्स यही, और देखिए कितना सा आप लोग गिर भी रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना सारा पूरा अमरूद फड़ल है, बहुत सारा है फ्रेंड्स। एक दो महीना में तो इतना पक जाएगा ना कि कोई खाने वाला नहीं रहता है। हम लोग के यहाँ पूरा गिरता है, हमारे चाचा का कोटा है, तो यहाँ सब लोग आते हैं तो बहुत सारा एकदम डंडा से पिट पिट कर खाते हैं। और आप लोग बताइए, बहुत अच्छा यहाँ का हरियाली, बहुत अच्छा यहाँ का वीडियो आप लोग को लग रहा होगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ इंटरेस्ट इंजॉय कीजिए, खूब सारा मस्ती कीजिए फ्रेंड्स, यही सब है। और डर भी लग रहा है फ्रेंड, पूरा झंड बंड है, देखिए पूरा यहाँ का मतलब गिर गया है जो था। अब यहाँ पहले सब लोग मेरे चाचा ये सभी सब कोई का, हम लोग के लगले छत है, पूरा सटा हुआ अटैचमेंट है सबका, एक ही पास है हम लोग का घर, अटैच ही है। तो यही है फ्रेंड्स। और डुगू वहाँ देखिए लेकर जा रहा है। और आज भी फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को एक दो ऐसा है खपड़ैल का, मम्मा इसको लो, मम्मा इसको लो, हाँ रुको ना बेटा वहीं। और ये फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये बैर का पेड़ है, ये भी बैर आपको छोटा छोटा तो इसमें नहीं फड़ल है, मेरा वहाँ पर है दूसरे जगह, उसमें फड़ गया है। ये इधर है बेटा, ये फरवरी मार्च में पककर ये बैर का मतलब ये बैर तैयार होता है, अभी नहीं। पर क्या?
नहीं उसे कच्चा कच्चा छोड़ ले रहा, फल ले रहा बेटा। तो फ्रेंड्स अब बहुत इतना टेस्टी एकदम सेव जैसा लगता है ना खाकर। ये इधर उठा 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 उसको। अभी जहाँ पे डीलर लोग राशन बांटते हैं ना, तो चाचा प्लीज यहाँ पर है, ये कोटा है, चाचा हमारे यहीं पर। ये मेरा है मम्मा, मम्मा ये हम लोग का है ये। हाँ ये भिंडी का है। थोड़ा 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 नहीं कच्चा है। यह देखिए फ्रेंड्स सब पक गया, बुढ़ा गया हम लोग बोलते हैं जो पक जाता है। तो ये भिंडी का पेड़ है, यही सब है। हाँ, तो बाबू उसको पकड़ ले रहो बेटा, बहुत सारा हरियाली है फ्रेंड्स यहाँ देखिए। यही जो बोल रहे थे कि लकड़ा बहुत खट्टा, बहुत मतलब खाने नहीं पाइएगा, मुँह में आप लोग डालने नहीं पाइएगा, यही है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ भी है आपको करेला का बेल। यहाँ देखिए करेला का बेल है इसमें। हम बहुत फड़ल है फ्रेंड्स, लेकिन डर से ना हम उधर नहीं जा रहे हैं सांप के डर से, क्योंकि कितना बार यहाँ सांप भी निकल चुका है। और मेरा अमरूद के ऊपर यहाँ, वहाँ देखिए शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ देखिए नेनुआ का जो तोरी थी, क्या बोलते हैं उसका, ये है। मम्मा मुझे कुछ हो गया, खून कहाँ तो इसे क्यों बोलते, डरवा देता है। अरे यहाँ देखिए फ्रेंड ये भी, अरे गंदा, यहाँ देखिए बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर अभी खपड़ा का भी एक दो मकान है, अभी भी यहाँ हम लोग के खपड़ैल का था, अब वो सब गिर चुका है, पक्का का घर बन गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, गिर पर रही है, इसको लेकर घरे जा रहे, बाद में आप लोग से मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इधर सब अब दौड़ने लगा है। चलो यही देखिए मेरे चाचा का कोटा है, यहाँ देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड टांगल है जो हमारे चाचा डीलर हैं राशन उसन, मतलब जो जिनका नहीं रहता है बांटना काम वो। चलो ए बाबू उधर देखो, गई उधर, बहुत फ्रेंड्स इतना बदमाश है नहीं लोग। चलो इधर रहो, इधर बाबू ये रखो ना बेटा, इसको इसको उधर गैया वो कर लेगी, इसको रखो ना। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे बड़े पापा के है गाय। और यहाँ देखिए यही बोल रहे थे कि तूर दाल है, इसको अरहर का। अरे इसमें चींटी लगा, देख लो जरा सा, बहुत चींटी। और ये फरवरी मार्च में पक जाता है। मम्मा तेरे पर चींटी चढ़ गया, देख लो जरा, यहाँ देखो, देख लो ना चींटी चींटी। एक और घर यहाँ भी है, ये भी हमारे मतलब बाबा के भाई लोग का है, जो हमारे दादाजी थे उनका भाई लोग का है। आप लोग का यही देखिए, फिर मेरे बड़े पापा के गाय का जो घर है, आप लोग का सब टाइम मिला है तो आप लोग को दिखा देते हैं फ्रेंड। और यहाँ देखिए कितना अच्छा सारा हरियाली है। और आज का फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग जरूर देखिएगा, फुल एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मेरा आज मायके का लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स। अब बहुत ख़राब लग रहा है, जाने का तो मन नहीं करता है, क्योंकि हर कोई का जन्मभूमि तो वही रहता है ना, मायके ही होता है, कितना भी कुछ हो के लेकिन जाने का तो मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है, जाना तो है ही, क्योंकि दो दिन डू का स्कूल छूट गया। देखिए कितना सुंदर आप लोग को हरा भरा नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ देखिए इसको हम लोग सेम बोलते हैं, देखिए जो ये बेल है ना, देखिए सेम का बेल है। और इस सेम देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर तो कितनी प्यारी है। और ये मतलब सेम फड़ता है, अभी नहीं वो फड़ेगा, हाँ दिसंबर ले, लास्ट नवंबर दिसंबर से फड़ने लगेगा। मम्मा उसे देखो, उसको पकड़ लो ना, उसको पकड़ लो बेटा, उसको पकड़ लो। और यहाँ देखिए ये बेल का पेड़ है फ्रेंड्स, यहीं देखिए बेल का। अब यहीं भोलेनाथ बाबा का चबूतरा है, मतलब छोटा है, यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ का, यहीं पर हम लोग का मतलब
जितना हमारे चार पांच घर का है, जितना मतलब बाबा ये सब का भाई है, मतलब जितना मतलब यहाँ का ये सब लोग यहीं पे पूजा करते हैं। अभी इनका मंदिर नहीं बना है, बहुत पहले से ही यहीं पे रखा हुआ है। अब मेरी बेटी को देखिए चढ़ने जा रही है, चढ़कर ऊपर खड़ा हो जाएगी। ए लड़की चल नीचे चलो। और यहीं इसी के चलते देखिए जैसे सावन में ना मतलब ऐसे भी तो बेलपत्र बारह महीने चढ़ाया जाता है, तो इसी के चलते बेल का पेड़ यहाँ पर लगा दिया गया है। इतना हाँ तो भी प्रणाम कर दो और चलो लेके आओ। यहाँ पर बरसात के टाइम में फूल पत्ती भी लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। चलो बेटा पैर में कुछ नहीं पानी है, लेके आओ उसको। हाँ देखो प्रणाम कर रही है। और यहाँ देखिए इसमें चना का साग है, इसमें देखिए छोटा छोटा दिख रहा है, इतना छोटा छोटा। तो यही फ्रेंड्स आज का है ब्लॉग। यहाँ देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए नजदीक से, यहाँ देखिए चना का साग बहुत टेस्टी लगता है। मतलब अभी छोटा छोटा है, इसका साग बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको से मतलब बॉयल कर दीजिए, खूब अच्छा से सीख जाएगा। उसके बाद कच्चा तेल, मिर्ची, सरसों तेल और हरा मिर्ची, लहसुन कच्चा डालकर या जला कर भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ यही है फ्रेंड्स, जो मतलब ये स्मृति चिन्ह क्या तो स्मारक बनाया जाता है ना, वही है मेरे चचेरा बाबा का और मेरे दादाजी का पीछे में है। नहीं उसको रखे रहो बेटा। यही देखिए कितना सुंदर हरा भरा नजारा लग रहा है। देखिए यहाँ देखिए मम्मा साग साग नहीं छोड़ दो। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये एक मेरा मायके का वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।